Good morning, student. Good morning, sir. How are you all? Fine. Today we will start one new lesson in English, right? What is this? This is syntax. Do you know what is syntax? What is syntax? Is a word derived from latex. Yes, yes. So हमारे जो भी हमारे सेंटेंस जो भी हमारी बुक में जो भी हमारे लेसन्स वगैरह हमारे टॉपिक में होते हैं इंग्लिश में उनमें से सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या होता है सिंटैक्स होता है सिंटैक्स किससे बनता है सब्जेक्ट और वर्ब का जो होता है वो क्या होता है एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है सिंटैक्स तो यानी हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध होता है कर्ता और क्रिया के बीच में जो क्या होता है संबंध होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स So this is subject, right? So what is subject? Subject means doer, यानी कि करता. A person who is doing work. एक आदमी जो काम को कर रहा है वो क्या है? Subject है. एक आदमी जो काम को कर रहा है वो क्या है? Subject है. और इसी के on the other hand we can see verb. And verb means action. It means which is happening in a sentence. यानी sentence के अंदर जो हो रहा है. Sentence के अंदर जो हो रहा है वो क्या है? वर्ब है इज इट क्लियर नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस हेयर सो आई विल राइट डाउन हेयर 1, 2, 3 सेंटेंसेस देन यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट आंसर राइट दीज आर द 3 सेंटेंस सो नाउ यू विल टेल मी विच इज करेक्ट विच इज करेक्ट सम स्टूडेंट आर सेइंग A is correct. Some student are saying B is A and B both are correct. Some student saying C is incorrect. All are saying C is incorrect. So I will tell you C is correct. Okay. What is the reason behind it? What is the reason? क्या कारण है इसके पीछे कि ये सही है? This is correct. These both are incorrect. But schools वगैरह में हम कुछ इसी तरह का सुनते हैं, right? स्पोकन एक्टिविटी में लोग कुछ इस तरह का इसे यूज करते हैं नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ओके सो दिस इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट दिस इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट सो दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी ये क्या है इंग्लिश है और ये क्या है हिंदी है तो ये दोनों क्या है सब्जेक्ट के नाम है किसके नाम है सब्जेक्ट के नाम है सो यदि हम कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि हम कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले यूज करते हैं तो उसके साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होता है अरे बोलो कैसा यूज होता है प्लूरल में यूज होता है कैसा यूज होता है प्लूरल इफ वी आर यूजिंग एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल बिफोर एनी सब्जेक्ट नेम अरे बच्चों समझ में आ रहा है yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इफ वी आर यूजिंग एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल बिफोर एनी सब्जेक्ट नेम इन दैट केस प्लूरल वर्ब इज एप्लीकेबल Is it clear? Yes. तो ये दोनों क्या है सब्जेक्ट हैं और इनके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए सो इन दैट कंडीशन दीज बोथ आर करेक्ट क्योंकि इंग्लिश से पहले हिज लगा है और हिज हर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और आर्टिकल अगर द भी हम इनके साथ एड ऑन करते हैं तो भी यहाँ पर क्या लगेगा आर ही लगेगा क्लियर है तो ये इसके लिए ओनली ऑन क्या सही है ये वन मोर एग्जाम्पल The physics of Ravi is unique. The physics of Ravi is unique. अब यहाँ पे physics की बात हो रही है अरे किसका physics? Ravi का physics. तो ये physics subject नहीं है ये physics subject नहीं है ये physics relation बता रहा है किसके साथ Ravi के साथ ये physics subject की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है उस physics की जिसको Ravi जानता है We are not discussing here about the physics or chemistry subject. We are discussing here about a physics which Ravi knows. हम उस physics की बात यहाँ पर कर रहे हैं जिसको रवि जानते हैं Right? आप अगर मेरे से बात कर रहे हैं English की तो आप मेरे से उस English की बात कर रहे हैं जो मेरी English है जिसे मैं जानता हूँ आप यहाँ पर English subject की बात नहीं कर रहे यहाँ पर हम Shakespeare, Milton, Wordsworth और Keats की बात नहीं कर रहे यहाँ पर हम उस English की बात कर रहे हैं जो मैं जानता हूँ तो मैं जो जानता हूँ मैं तो थोड़ा सा जानता हूँ ना तो countable है क्या है countable है मैं 10 rules 20 rules 30 rules 100 idioms 200 synonyms ये सब जानता हूँ तो इसी condition में ये भी क्या है वो भी क्या जानता है 20 rules जानता है 100 rules जानता है physics में जो क्या है countable है और इसी condition में हम यहाँ क्या use कर देते हैं
प्लूरल यूज कर देते हैं। तो ग्रामर का रूल ये कहता है इफ वी आर यूजिंग एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव बच्चों संबंधवाचक विशेषण, कौन सा है विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, तो इसे बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये हो गया आपका और आर्टिकल क्या हो गया ये हो गया। तो इन दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है सर, क्या यूज करनी है प्लूरल यूज करनी, राइट क्लियर है। सो राइट डाउन द फॉर्मूला, इफ वी आर यूजिंग एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि क्या, इफ वी आर यूजिंग एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल, और आर्टिकल और आर्टिकल ए एंड द, राइट। इफ वी आर यूजिंग एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हर अवर यूर माई और आर्टिकल ए एंड द, इन दैट केस प्लूरल वर्ब इज एप्लीकेबल, इन दैट केस प्लूरल वर्ब इज एप्लीकेबल, ओके क्लियर है।